देखो आज मैं तुम लोगों को फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। कौन सा टेंस? फ्यूचर इनडेफिनिट। मैंने प्रेजेंट इनडेफिनिट पढ़ाया, उसके बाद सीधे पास्ट इनडेफिनिट पढ़ाया, उसके बाद सीधे फ्यूचर इनडेफिनिट पर मैं आज आ रहा हूं। यानी आज फ्यूचर इनडेफिनिट के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट में क्या क्या पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिविजन एक दो सेंटेंस से कर लेते हैं हम लोग। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट में जब तुम पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे मैं उसे, है ना, मैं उसे पढ़ाता हूं, ऐसा सेंटेंस पढ़ते थे। ताहे दी है ताहूं वगैरह का। पास्ट इनडेफिनिट में जब आए तुम तो मैं उसे पढ़ाता था, इस तरह का सेंटेंस पढ़ने लगे, है ना। पढ़ाना क्रिया ता था, पढ़ाना क्रिया ताहूं, इस तरीके का सेंटेंस। अब जब तुम फ्यूचर इनडेफिनिट में आ गए हो तो क्या पढ़ोगे? पढ़ो मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, यानी पढ़ाना भर दा। जैसे पढ़ते थे वह तुम्हें मदद करता है, वह तुम्हें मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह तुम्हें मदद करता था, समझ में आ रहा है, वह तुम्हें मदद करता था, है ना। और इसमें वह तुम्हें मदद करेगा, वह तुम्हें मदद करेगा। ध्यान से देखो पूरा मामला क्या है, इसमें इंक डाल दो थोड़ा, ठीक है, पूरा मामला क्या है। यानी जब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में पढ़ते थे तो इस तरीके से पढ़ते थे, ताहे तेहे का सेंटेंसेस पढ़ते थे। जब हम पास्ट इनडेफिनिट में आए तो ताथा वगैरह का, ताथा ती थी जो भी है, है ना, वह तुम्हें मदद करता था या वह तुम्हें मदद करती थी, इस तरह का, या मैं गया वह आया था तुम वहां गए थे, इस तरह का सेंटेंसेस पढ़ते थे, पास्ट की बात होती थी। जब हम फ्यूचर इनडेफिनिट में आए हैं तो फ्यूचर की बात हो रही है, यही सेंटेंस को मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता था, मैं उसे पढ़ाऊंगा फ्यूचर में। उसी तरीके से वह तुम्हें मदद करता है, वह तुम्हें मदद करता था, वह तुम्हें मदद करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे पूरे चीजों को कि किस तरीके का क्या है यहां पे, ठीक है। इस तरीके से जब देखोगे तुम तो तुम्हें लगेगा कि हां ये सेंटेंस बिल्कुल आप बना सकते हो तुम भी, ठीक है। तो क्या है पूरा मामला समझो जरा। देखो अब हम आ रहे हैं सीधे फ्यूचर इन डेफिनिट पे, ठीक है ना, किस पे आ रहे हैं, फ्यूचर इन डेफिनिट। अब पहचान पे आते हैं, क्या है इसका पहचान जरा समझो। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, है ना, क्या रहना चाहिए, गा गे गी, ठीक है, गा गे गी लगा रहे, तब वह वाक्य फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का कहलाता है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का कहलाता है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का कहलाता है, टेंस का कहलाता है। फिर वही बात, फिर वही बीमारी, है ना, क्रिया के अंत में ताहे तिहे रहने पे प्रेजेंट इनडेफिनिट हो जाता है, क्रिया के अंत में ताथा तिथि रहने पे पास्ट इनडेफिनिट हो जाता है, और अब क्रिया के अंत में गा गे गी रहने से वो फ्यूचर इनडेफिनिट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहां पे मैं कहूं कि वह हमें मदद करेगा, वह हमें मदद करेगा, है ना, तो मदद करना वर्ब हो गया, अंत में क्या हो गया, गा। एलिजा तुमसे बात करेगी, एलिजा तुमसे बात करेगी, बात करेगी, एलिजा तुमसे बात करेगी, बात करना वर्ब है, अंत में नहीं। वे लोग हमें पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, यहां पे देखो वे लोग हमें पढ़ाएंगे, पढ़ाना वर्ब अंत में नहीं। अर्थात गा गे गी, है ना,
गा है, गी है, गे, इस तरीके, यानी फ्यूचर की बात ये करता है। क्या करता है ये बिल्कुल फ्यूचर की बात करता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, देखो मैं ऊपर में स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज यहां पे ध्यान देना, कई लोग शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, उनका मानना है कि शैल अब यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात है नहीं कि शैल यूज होता नहीं है, ठीक है। ये और बात है कि तुम किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ तुम जो है विल का प्रयोग कर सकते हो। शैल का भी लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि शैल का प्रयोग करना गलत होगा, मैं ये कह रहा हूं। थोड़ा सा अब ध्यान से देखो, कहां अगर मुझे शैल लगाना होगा तो कहां हम शैल लगाएंगे, ये चीज देखो। अगर मुझे विल लगाना होगा तो कहां हम विल लगाएंगे, और देखो इसमें पहला फॉर्म होता है शैल विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी तुम्हें सेकंड थर्ड फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत इसमें नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखो तुम लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर शैल लगाओगे, है ना, तो कहां शैल लग सकता है, शैल लगेगा आई के साथ, आई के साथ शैल, ठीक है, और वी के साथ भी शैल, आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल लगेगा, जैसे आई वी, है ना, यू विल, दे है, विल लगेगा, कोई प्लूरल नाउन है, है ना, तो भी विल लगेगा, ठीक है, है ना। अगर ही है विल लगेगा, शी है विल लगेगा, इट है विल लगेगा, है ना, कोई नेम है विल लगेगा, कोई सिंगुलर नाउन है तो भी जो है कि विल लगेगा। तो ध्यान से देखो, ठीक है, आई और वी के साथ अगर लगाना हुआ शैल तो आई और वी के साथ लगाओगे। अब देखो ये बहुत आसान है सीखना, है ना, देखो कैसे आसान है सो मैं बता रहा हूं, सीखो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। कैसे बनाएंगे हम लोग, पढ़ाऊंगा, पढ़ाना क्रिया है, अंत में क्या है, गा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई हो जाएगा, देखो गागेगी क्या है, क्रिया के बाद क्या है, गागेगी, तो आई इसके साथ क्या जाएगा, शैल, आई शैल टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल टीचिंग, खत्म, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वह कल मुझसे बात करेगा, वह कल मुझसे बात करेगा, बात करेगा, ठीक है, तो ही आ गया, ही के साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, तो ही विल टॉक, ही विल टॉक टू मी, कल बीता हुआ नहीं है, आने वाला है, तो टुमारो हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ, he will talk to me, है ना, he will talk to me tomorrow, वह कल मुझसे बात करेगा, ठीक है, सब फ्यूचर की बात हो रही है, देखते जाओ, बहुत कुछ है। वे लोग अगले सप्ताह, ध्यान से देखो, वे लोग अगले सप्ताह हमें मदद करेंगे, इसमें सब चीज जो है कि फ्यूचर रेफरेंस होगा, यहाँ पे अगले सप्ताह देख रहे हो, और एक सेंटेंस था कल, यहाँ पे टुमारो देख रहे हो, है ना, तो ये सब फ्यूचर रेफरेंस पे बात होगी, फ्यूचर को रेफर करेगा। वे लोग अगले सप्ताह हमें मदद करेंगे, यानी दे है तो विल आ जाएगा, दे विल हेल्प अस अगले सप्ताह, मतलब नेक्स्ट वीक, दे विल हेल्प अस नेक्स्ट। तो आई शैल, ही विल, दे विल, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, हम लोग अगले साल
मुंबई जाएंगे। कहां जाएंगे दोस्तों? मुंबई जाएंगे, ठीक है, हम लोग अगले साल मुंबई जाएंगे। तो तुम चाहो तो वी के साथ शैल लगा सकते हो, बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा, वी है तो शैल है, तो वी शैल गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू मुंबई। कब जाना है? कब जाना है? अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर। तो तुम लोगों को समझ में आया, वी शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, हम लोग अगले साल मुंबई जाएंगे। अब ये पूरा जो तुमने देखा कि वी शैल गो टू मुंबई, है ना, वी शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, ये चार सेंटेंसेस मैंने पढ़ा है। अब थोड़ा सा और कुछ चीजों को देखो, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं, मैं जो भी लिखूंगा बिल्कुल मिटा दूंगा, आप लोग लिखते रहा कीजिए। देखो, अगर वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य या जरूर। देखो यहां, तो उसकी जो अंग्रेजी होती है यानी अवश्य आ जाए या जरूर आ जाए, है ना, या निश्चित रूप से आ जाए, इस तरीके से कुछ चीजें आ जाए, निश्चित रूप से, ठीक है, अवश्य जरूर निश्चित रूप से, ऐसा कुछ चीज आ जाए, ऐसे कुछ चीजें आ जाए, वर्ड्स आ जाए, तो मालूम है हम अंग्रेजी क्या लिखेंगे। सुनो यहां, तब उसका हम अंग्रेजी या तो श्योरली लिखेंगे, ठीक है, या सर्टेनली लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? सर्टेनली, श्योरली, सर्टेनली, या डेफिनेटली भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। तो श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ठीक है, श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, डेफिनेटली हो गया। अब क्या है, सो समझो यहां पे, ठीक है, जैसे मैं कहूं, और इसका जो प्रयोग होगा, हमेशा याद रखो एक बात नोट में, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहां होगा? इसका प्रयोग शैल विल के बाद होगा, शैल विल के बाद होगा, बाद इसका प्रयोग कहां होगा दोस्तों? शैल विल के बाद होगा। ठीक है, शैल विल के बाद होगा इसका प्रयोग। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि वह अवश्य कल यहां आएगा, कल यहां आएगा, देख रहे हो तुम लोग, वह अवश्य कल यहां आएगा, वह अवश्य कल यहां आएगा, या वह कल अवश्य यहां आएगा, एक ही बात हुई। करना क्या है इसको, ही आ गया, तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए, ही के साथ तो विल होना चाहिए। अगर मान लो कि आएगी यहां पे होता तो यहां पे शी लग जाता, तो शी विल। अब ये अवश्य की अंग्रेजी क्या होगी? श्योरली होगी ना, अवश्य जरूर निश्चित, तुम चाहे श्योरली लिखो, सर्टेनली लिखो, या डेफिनेटली लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, तुमको जो लिखना है तुम लिखो। ही विल, मान लो सर्टेनली हम लिख दिए, सर्टेनली, क्योंकि इनका प्रयोग कहां लिखना है? शैल विल के बाद, देखो विल के बाद, सर्टेनली कम हियर, है ना, कम हियर कहां? टुमारो, देखो यहां पे हो गया, ही विल सर्टेनली कम हियर टुमारो, वह अवश्य कल यहां आएगा। लेकिन कहता है कि यदि अवश्य रहे वाक्य में, या जरूर रहे, या निश्चित रूप से रहे, तो जहां जहां आप सेल लगाते हैं वहां वहां विल लगा दीजिए, और जहां जहां आप विल लगाते हैं वहां वहां शैल लगा दीजिए। यानी ही के साथ जो आपने विल लगाया है ना, अगर आप अवश्य या जरूर या निश्चित रूप से रहे, तो ही के साथ यदि आप शैल लगा दीजिएगा, तो फिर ये अवश्य और जरूर वगैरह के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको सर्टेनली, श्योरली या डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां ये मतलब। तो ही शैल कम हियर, है ना, ही शैल कम हियर टुमारो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कब प्रयोग होती हैं? जब मामला बिल्कुल जो है कि अवश्य में रहता है, एकदम सर्टेनिटी में, एकदम बिल्कुल कि नहीं वो चीजें अवश्य ऐसा होगा, ठीक है, बिल्कुल फॉर्म डिटरमिनेशन के लिए जो है कि हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ही शैल कम हियर
टुमारो, यानी तुम जब शैल दे दिए, वैसे तो ही के साथ तो क्या लगता है विल, लेकिन तुम क्या दे रहे हो, तुम शैल दे रहे हो। जब तुम शैल दोगे तो क्या करना है तुम्हें, फिर सर्टेनली वगैरह नहीं लिखना है। कब? जब वाक्य में अवश्य शब्द दिया रहे तब, वाक्य में निश्चित रूप से दिया रहे तब, जरूर लिखा रहे तब। एक सेंटेंस और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो इस चीज को, जैसे मैं कहूं कि हम लोग अगले माह अवश्य या जरूर, है ना, हम लोग अगले माह जरूर यहां आएंगे। चलो यहां आएंगे नहीं, हम लोग अगले माह जरूर तुमसे मिलेंगे। चलो तुमसे मिलेंगे, यहां पे बिल्कुल फॉर्म डिटरमिनेशन है, जरूर, ठीक है। अब तुम सर्टेनली प्रयोग करो, जो करना है करो, ठीक है। तो वी शैल, यानी पुराने नियम के अनुसार हम बना रहे हैं इसको, वी शैल लगा दिए, वी शैल मीट यू, ठीक है। लेकिन ये वी शैल मीट यू नहीं होगा, उससे पहले क्या होगा सो देखो यहां पे, है ना। मैंने क्या छोड़ा है, जरूर की अंग्रेजी छोड़ दी। तो जरूर की अंग्रेजी क्या होती है, श्योरली या सर्टेनली या डेफिनेटली होती है, होती है नहीं, यानी वी शैल। और ये कब प्रयोग होता है, इसका प्रयोग शैल विल के बाद होता है, यानी मैंने यहां पे क्या किया था, इसे छोड़ दिया था, हमें लिखना चाहिए था, है ना। मान लो वी शैल श्योरली लिखना चाहिए था, या सर्टेनली या डेफिनेटली, तो वी शैल श्योरली, है ना, मीट यू, मीट यू कहां, मीट यू नेक्स्ट मंथ, मीट यू नेक्स्ट मंथ, ध्यान से सीखो इन चीजों, यानी वी शैल श्योरली मीट यू नेक्स्ट मंथ, हम लोग, है ना, अगले माह जरूर तुमसे मिलेंगे, यानी वी शैल श्योरली मीट यू नेक्स्ट मंथ, ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि भैया ये जो श्योरली वगैरह हमने लिखा है, नहीं लिखा, वाक्य में जरूर शब्द है या अवश्य शब्द है, अगर तुम नहीं लिखना चाहते हो तो वी, जहां वी है तो जहां सेल लगता है तुम विल लगा दो, वी के साथ सेल लगता है और आई के साथ सेल लगता है, लेकिन जब तुम विल लगा दोगे तो ये विल का मतलब हो गया कि ये सेल और सियोरली बिल्कुल यहां पे फिट हो गया, ठीक है। यानी एक विल बराबर क्या, एक विल बराबर सेल सियोरली हो गया, ठीक है, यानी अलग से तुम्हें सियोरली लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे यहां पे क्या हुआ, एक शैल बराबर, शैल एक ही है लेकिन इसका मतलब हुआ कि एक शैल बराबर पूरा विल और सर्टेनली, ये दोनों का अर्थ इस शैल में आ गया अगर ही के साथ लगाते हैं तब। उसी तरीके से यहां पे शैल और सियोरली का अर्थ यहां पे विल में बिल्कुल आ गया, यदि हम वी लिख रहे हैं तब, यानी उल्टा, ही के साथ जहां जहां हम लोग मतलब ही के साथ विल लगाते हैं, लेकिन जब अवश्य जरूरत है तो उल्टा यानी शैल लगा देते हैं, वी के साथ अमूमन हम लोग शैल लगाते हैं, लेकिन जब अवश्य या जरूर यहां पे देखो ऐसा कुछ रहता है तो वी के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। तो वी विल, है ना, वी विल क्या, वी विल मीट यू, है ना, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एफर्मेटिव हो गया। तो तुम लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने तुम लोगों को ये पूरा चीज पढ़ाया है, और अब जो मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं निगेटिव। क्या है निगेटिव में, इसको जरा तुम लोग समझना। निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि कोई भी वाक्य का नकारात्मक पक्ष भी होता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लिखोगे तुम, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करोगे, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना है, शैल या विल लिखना है, नॉट लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या है पूरा मामला जरा समझो। जैसे मैं कहूं कि तुम उसे, है ना, तुम उसे अब मदद नहीं करोगे, अब मदद नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे। देखो यहां पे ये अब का अंग्रेजी जो है ना, या तो शुरू में या अंत में, हमेशा याद रखना, तुम उसे अब मदद नहीं करोगे, तो नाउ, ये तुम अब, ये सब याद रखना पड़ेगा। जैसे अब है, आजकल है ना,
इन दिनों का, ये सब जो अंग्रेजी होता है आज है, ये सब चीज की अंग्रेजी या तो वाक्य के एकदम शुरू में दे दिया करो और या तो वाक्य के अंत में दे दिया करो। नाउ तुम उसे मदद नहीं करोगे, यानी यू विल नॉट क्या, यू विल नॉट हेल्प हिम। क्लियर हो गया, यू विल नॉट हेल्प हिम। वह कल यहां नहीं आएगी, नहीं आएगी, वह कल यहां नहीं आएगी, मतलब शी विल नॉट कम हियर, है ना, टुमोरो हो गया। यहां पे चीजों को देखो क्या है पूरा मामला, शी विल नॉट कम हियर टुमोरो, वह कल यहां नहीं आएगी। क्लियर हो गया। अब थोड़ा और भी कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं। मेरे बच्चे कल स्कूल नहीं जाएंगे, कल स्कूल नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे कल स्कूल नहीं जाएंगे। My children will not go to school क्या है ना, माई चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल tomorrow। देखो ये बिल्कुल लग गया, शैल विल में नोट लग जाता है, नॉट लग जाता है। एक शैल का तुम्हें मैं सिखा दे रहा हूं, है ना, एक शैल का निगेटिव सिखा दे रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि हम लोग उसे पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल सिंपल है, वी शैल नॉट गिव हिम मनी। क्लियर हो गया आप लोगों का, वी शैल नॉट गिव हिम मनी या वी शैल नॉट गिव मनी टू हिम। ये बिल्कुल आप लोगों ने सीखा, ये सारी चीजें हैं। देखो एक चीज मैं तुम लोगों को कह रहा हूं, अगर मुझसे पूछो कि सर इसमें आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग हम लोग करते नहीं है तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ये तुम पर छोड़ दे रहा हूं। अगर तुम्हें करना है तो तुम करो आई और वी के साथ करना, नहीं करना है तो तुम सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है स्पीकिंग में, ठीक है, तुम विल का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं तुम लोग, अगर तुम्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कुछ कंफ्यूजन है कि आई के साथ सेल करें विल करें, तो उसको ऐसे लिखो, जैसे आई है आई, इसका मतलब हो गया आई शैल भी, इसका मतलब हो गया, ठीक है, और इसका मतलब आई विल भी हो गया, आई इसको पढ़ेंगे क्या आई, ठीक है। उसी तरीके से यू है तो यूल, ये यू के साथ यहां पे सेल भी माना जा सकता है और यहां पे यू के साथ ये विल भी माना जा सकता है, यूल, ठीक है। इस तरीके से तुम इस तरीके से प्रयोग करना शुरू, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग करना शुरू। किताबों में भी तुमने देखा होगा इस तरीके से लिखाता है, तो ये यू शैल भी है और ये यू विल भी है। तो अब मतलब तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें पढ़ाना क्या चाहता हूं। जैसे मैं कहूं कि कोई भी चीजें हैं, जैसे वी है विल, ठीक है, तो इसका मतलब वी शैल भी हो गया और इसका मतलब वी विल भी हो गया। यानी कहने का मतलब अगर तुम विल लिख दे रहे हो तो लड़ाई खत्म हो गया कि कहां हम शैल यूज करेंगे, कहां हम विल यूज करेंगे, समझ आ रहा है, विल है ना, इस तरीके से। दे है दे, तो दे शैल भी हो गया, है ना, और दे विल भी हो गया, इसका यही मतलब। तो अब ये लड़ाई खत्म हो गया, अब तुम कभी उस तरीके से प्रयोग ही मत करो कि ही विल, नहीं ही विल लिखना है ऐसे नहीं, ही खत्म हो गया, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से। दूसरी बात है कि जब तुम निगेटिव में जाओ, है इसको उतारो, है ना, जब तुम निगेटिव में जाओ कुछ मत करो, तुम वोंट का प्रयोग करो उसे, ठीक है, WONT वोंट, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, वोंट, WONT, यानी जहां तुम्हें विल नॉट लिखना हो, मान लो तुम्हें विल नॉट लिखना हो, तुम शॉर्ट या जिसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म कहते हैं, तो तुम इन्हें कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो WONT वोंट, तुम ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तुम आई के साथ भी लिख सकते हो इन्हें, ठीक है,
I want, we want, ठीक है, you want, he want, कुछ भी, सब झगड़ा खत्म कर दिया मैंने, है ना, कुछ भी मतलब लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं, तब तुम्हें मतलब जो है कि सेल और विल का कोई झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, है ना। तो बेहतर है जहां पे विल नॉट तुम्हें लिखना हो वोंट लिखो, ठीक है ना, जो भी है मतलब एक सही है, वोंट बिल्कुल तुम लिख सकते हो कहीं पे भी, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू, दे, ही, सी, कहीं पे भी वोंट लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं इंटरोगेटिव भी पढ़ा दे रहा हूं। इंटरोगेटिव का तुम्हें मतलब बिल्कुल मायने मालूम है कि ऐसे वाक्य क्या सब से शुरू होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट से पहले शैल विल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल विल इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले ही आ जाएगा, पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट मोड ऑफ इंटरव्यूज। देखो ध्यान से, सब्जेक्ट से पहले शैल विल, क्या तुम उसे डांटोगे, क्या तुम उसे डांटोगे, तो विल आएगा ना, विल यू स्कॉल्ड हिम। देखो कैसे आ रहा है ये चीजें, देखो शैल विल ये क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या तुम उसे डांटोगे, विल यू स्कॉल्ड हिम, क्या एलिजा कल तुम्हें स्कूल ले जाएगी, स्कूल ले जाएगी, ध्यान से देखो, क्या एलिजा कल तुम्हें स्कूल ले जाएगी, तो विल एलिजा टेक यू, विल एलिजा टेक यू टू द स्कूल, टू द स्कूल, है ना, टुमारो, क्लियर हो रहा है, विल एलिजा टेक यू, टेक मतलब ले जाना, तो विल एलिजा टेक यू टू द स्कूल टुमारो, क्या हम लोग है ना, क्या हम लोग कल से अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, बात करेंगे, ध्यान से देखो, क्या हम लोग कल से अंग्रेजी में बात करेंगे, शैल वी, है ना, टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, कल से, इसको ऐसे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स क्या लिखेंगे, फ्रॉम एफ आर ओ एम है टुमारो, है ना, ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑनवर्ड्स, यानी शैल वी टॉक इन इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, क्या हम लोग कल से अंग्रेजी में बात करेंगे, यानी इंटरोगेटिव तुम सीख गए कि क्या है इंटरोगेटिव में, कुछ नहीं है, शैल विल पहले आना है, क्या सरकार गरीबों को, क्या सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता देगी, ये सब चीजों को सीखना पड़ेगा, क्या सरकार गरीबों को, वो छूट गया है ना, क्या सरकार, कभी कभी कोई चीज छूट जाता है, कल मैं एक वीडियो बना रहा था तुम लोगों को, मैंने वो डीआईडी है ना, एंटी डिंट मुझे लिखना था, ठीक है, डिडंट या डिंट, मैंने शायद डीआईएनटी कर दिया, तो ये गलत है और ये सही है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, मुझे याद आया तो ये शायद डी छूट गया था, मेरे ख्याल से जब मैं निगेटिव पढ़ा रहा था तब पास्ट इनडेफिनिट में, है ना, तो डी आई डी हो गया, ठीक है, यहाँ डी, ये मतलब ये गलत है, मैंने ऐसे लिख दिया था, वो छूट जाता है लिखने के क्रम में ना, कुछ चीजें छूट जाती हैं, ट्रांसलेशन वगैरह करते करते ना वो दिमाग से उतर जाता है, कोई बात नहीं, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्या सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता देगी, यानी विल द गवर्नमेंट गिव इकोनॉमिक हेल्प टू पुअर्स, क्लियर हो गया, ठीक है, आप समझ में, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं बोलूं कि एक इंटरवेटिव निगेटिव, क्या तुम कल वहां नहीं जाओगे,
नहीं जाओगे, क्या तुम कल वहां नहीं जाओगे? तो will you not go there tomorrow? Will you not go there tomorrow? या तुम्हें क्या करना है? Won't लिख देना है। ये दोनों मिलकर के जब देखो यहां क्या आ गया और नहीं आ गया, तो क्या हम लिख देंगे? Won't you go there tomorrow? क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इंटरगेटिव निगेटिव में हम पढ़ा दिए won't you go there tomorrow। ये बिल्कुल आप लोग सीख गए। अब मैं क्वेश्चन वर्ड में आ रहा हूं, ठीक है? यानी फ्यूचर इंडेफिनिट आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, कम चीजें इसमें याद रखना है ना। तो देखो यहां पे क्वेश्चन वर्ड हो गया क्या, इसको समझो तुम। क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं है। क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, ये सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा इंटरोगेटिव का सेटअप बिठा देंगे। यानी शैल, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मोटो, इंटरो, ठीक है? जैसे मैं कहूं तुम उसे कैसे पढ़ाओगे, तुम उसे कैसे पढ़ाओगे, है ना? तुम उसे कैसे पढ़ाओगे, कैसे? देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये दरअसल जो मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लड़के करते हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए। क्लास में तो जो चीज पढ़ाया जाता है ऑनलाइन के द्वारा वो तो पढ़ाया जाता है, ठीक है? उस चीज के सपोर्ट के लिए मुझे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ताकि उन्हें और भी ज्यादा अच्छे ढंग से चीजें समझ में आती रहे, ठीक है? और ये वीडियो कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी सीख सकता है। और तुम लोग को बिल्कुल ये चाहिए कि जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स वगैरह हैं जो अंग्रेजी में रुचि लेते हैं, ठीक है, या जिन्हें अंग्रेजी सीखना हो, उन तक पहुंचाओ। ये पहुंचाना जो है ना, एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए उन तक, बिल्कुल उन्हें दो सारी चीजों को जो है, जो भी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उन तक पहुंचाओ वीडियो के फॉर्म में, या जैसे भी तुम पहुंचाओ, ये सारी चीजें पहुंचाओ, बहुत ही यूजफुल चीजें हैं, ठीक है? तुम उसे कैसे पढ़ाओगे, हाउ विल, है ना? उससे हमारे के पास शैल विल, तो यहाँ पे तुम है तो अमूमन विल, है ना? यहाँ पे देखो विल, तो हाउ विल यू टीच, हाउ विल यू टीच, ठीक है? तुम्हारा दोस्त, यहाँ पे सब कुछ सिंगुलर प्लुरल सबके साथ, देखो यहाँ पे विल ही आता है। एक चीज तुमको मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है? तो तुम्हारा दोस्त क्यों कल यहां आएगा, कल यहां आएगा, क्यों कल यहां आएगा, क्यों? Why will your friend why will your friend come here, why will your friend come here? क्वेश्चन वर्ड आ गया will your friend come। अभी देखो, अभी जानबूझकर मुझे छोटा छोटा सेंटेंस सिखाना पड़ता है ताकि तुम्हें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, रूल्स हैं, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद बड़ा बड़ा हाथी बराबर का सेंटेंस उसके बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो why will your friend come here? हम लोग कैसे अंग्रेजी सीखें, हम लोग कैसे अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी सीखें, सीखेंगे, है ना? हम लोग कैसे अंग्रेजी सीखेंगे, कैसे? How shall we learn English? How shall we learn English? How आ गया ना, कैसे? Shall आया, we है, इसीलिए shall आया। How shall we learn English? ठीक है? सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी, गरीबों के लिए क्या करेगी, क्या करेगी, है ना? क्या? तो what will the government अब तुम लोगों को बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। what will the government do for poor's, ठीक है? तो चार सेंटेंस मैंने क्वेश्चन वर्ड पे दिया और एक सेंटेंस मैं तुम्हें और दे रहा हूं क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, ठीक है?
वे लोग कल यहां क्यों नहीं आएंगे, वे लोग कल यहां क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, है ना, क्यों नहीं आएंगे, क्यों आ गया और नहीं आ गया, वाई विल दे नॉट कम हियर, है ना, टुमोरो, मेरी बात समझ में आ रही है, why will they not come here tomorrow, या क्या हो जाएगा, why won't they, देखो यहां ये will or not को abbreviated form, won't they come here tomorrow, ये एक ही पार्ट में मैंने वीडियो को बनाया है, क्योंकि ये छोटा है, अन्य लोगों से इसमें कम चीजें होता है याद करने का, तो एक ही पार्ट का है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको जब भी पढ़ो तो कोई भी चीज पढ़ो तो इंग्लिश हिंदी लाइन को ढक कर करके प्रैक्टिस कर कर, और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से सीखा होगा, और इसी तरीके से सीखो और अन्य लोगों को भी सिखाओ, अन्य लोगों को भी दो ये चीजें, उन तक पहुंचाओ ये सारी चीजें, अब तुम जानो तुम्हें कैसे पहुंचाना है, कैसे क्या उन्हें तुम्हें देना है, ठीक है, लेकिन शिक्षा को एजुकेशन को बिल्कुल स्प्रेड करो, तो आज भर इतना ही, थैंक यू।